दिवाली के त्योहार को लेकर लोगों के बीच खास उमंग देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। बता दें कि मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन की देवी लक्ष्मी का आगमन धरती पर होता है, इसलिए इस त्योहार को धनमानी का भी त्योहार कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संतरीस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। वहीं अगर इस साल की बात करें तो इस दिवाली पर सूर्य ग्रहण की छाया है और ऐसे में लोगों के बीच त्योहारों की तिथियों को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। सोशल मीडिया पर दिवाली से जुड़ा एक सवाल काफी वायरल हो रहा है कि इस साल धनतेरस कब है। बताते चले कि इस वर्ष त्रयोदशी तिथि शुरुआत और समापन की वजह से धनतेरस को लेकर असमंजस की स्थिति लोगों के बीच पैदा हो गई है। इस साल की कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से आरंभ हो रही है और तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर को शाम 6:03 पर होगी। ज्योतिषियों की माने तो उनके अनुसार 22 अक्टूबर को यमदीप को जलाना शुभ होगा। वहीं उनका मानना है कि उदय तिथि की मान्यता के अनुसार 23 अक्टूबर को धनतेरस को मनाना ज्यादा उचित होगा। दरअसल ज्योतिषियों का कहना है कि 23 अक्टूबर को शाम तक प्रदोष काल है, ऐसे में लोग 23 अक्टूबर को ही धनतेरस मना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस को त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवताओं के वैद्य धनवंतरी की जयंती मनाई जाती है और लोग इस दिन सोना चांदी और अन्य वस्तुओं की खरीदारी करते हैं और अपने घर लाते हैं। इन चीज़ों की खरीदारी करने वाले लोग खुद को शुभ मानते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि जो लोग भी धनतेरस का व्रत रखते हैं वे सभी 23 को ही रखें, क्योंकि 23 अक्टूबर को प्रदोष काल का समय शाम तक है। ऐसे में लोगों को धनतेरस पूजा करने के लिए करीब 1.25 घंटे का शुभ समय प्राप्त होगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में जो भी मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे उनके धन संपत्ति में वृद्धि होगी और साथ ही उनके परिवार की भी उन्नति होगी। बता दें कि 23 अक्टूबर को शाम 5:45 से रात 8:17 तक प्रदोष काल का मुहूर्त है, जिसके बाद वृषभ काल की शुरुआत शाम 7:01 से रात 8:56 तक रहेगी। वहीं अगर पूजा शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त की शुरुआत शाम 5:44 से 6:05 तक रहेगी। इसके साथ ही ज्योतिषियों का कहना है कि 23 अक्टूबर को शनि देव मार्गी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में कई राशियों को लाभ मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।